हो, ये बीमारी है अपनी प्लांटर फेसाइटिस, इसमें कुछ सावधानी रखना है, जैसे कि ज़मीन पर नंगे पैर नहीं चलना है, सॉफ्ट स्लीपर पहन के चलना है, जो नरम सोल की स्लीपर आती है उनको पहन के चलना है। दूसरा, एक फ्रिज में बर्फ पानी की बोतल जमा लेना जिसमें बर्फ जम जाए, और उनके ऊपर खड़े होना है, ठीक है, कम से कम 5-10 सेकंड तक, जिस पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा हो, जैसे इस वाले पैर में ज़्यादा दर्द है तो उसके ऊपर खड़े हो जाना है बोतल के ऊपर। उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में अपने पहले तो घुटना सीधे करके बैठना है, बिल्कुल घुटने को ज़मीन से टच करके बैठाना है बिल्कुल। उसके बाद पंजों को अपनी तरफ खींचना है, खींचो पंजों को अपनी तरफ, पंजों को केवल अभी पंजों को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है, खींचो और खींचो, अब ये लगभग 15 सेकंड तक अपनी तरफ खींच के रखना है। इसके बाद नॉर्मल कर देना है, नॉर्मल कर दो, इसके बाद फिर खींचो अपनी तरफ, ऐसे 15 सेकंड तक, ये कम से कम एक बार में 10-12 बार करना है, दिन में 5-6 बार करना है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, ये पैर के अंगूठे को पकड़ो हाथों से, ऐसे अपनी तरफ खींचना है पैर के अंगूठे को, खींच के रखो 15 सेकंड तक, बिल्कुल ऐसे खींच के रखना है अपनी तरफ, अब रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, फिर से खींचो अपनी तरफ। इस पूरी एक्सरसाइज में घुटना जमीन से टच रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ये दो एक्सरसाइज से आपके एड़ी का दर्द लगभग सही हो जाएगा। और कभी भी ज़मीन पर नंगे पैर नहीं चलना है, सॉफ्ट स्लीपर पहनना है, बिल्कुल नरम सोल वाली, ऐसे दाने वाली स्लीपर से भी काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नरम सोल के स्लीपर होना चाहिए। प्लस ये है कि जो फ्रिज में जो पानी की बोतल रखोगी उसमें बर्फ़ जमी हुई होगी, उस पर खड़े होना है और उसके पैर को आगे पीछे रोल करना है, ठीक है।